आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम पीटीटी वालों के लिए, स्पेशली जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, राजस्थान के जो आभूषण होते हैं उनसे संबंधित टॉप प्रश्नों की बात करेंगे। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किसी भी, यानी कि जो भी एग्जाम अभी तक हुआ है उनमें सभी में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के आभूषणों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, एलडीसी, ठीक है, इन सभी में काम आने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। तो पुरुषों का आभूषण पूछ ले आपसे, तो आभूषण कौन सा है पुरुषों का, तो दोस्तों नेवरी पुरुषों का नहीं है, सरी पुरुषों का नहीं है, पोत भी पुरुषों का नहीं है। ये जो झेलकड़ी है ना, ये अपने पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। झेलकड़ी को पुरुष पहन सकते हैं ना कि महिलाएं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आभूषण सिर्फ महिलाओं के होते हैं, लेकिन ये आपकी सोच गलत है दोस्तों। आभूषण पुरुषों के भी होते हैं और महिलाओं के भी होते हैं। चलिए इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है कि रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो रमझोल दोस्तों पूछ ले किस भाग में पहना जाता है। तो रमझोल दोस्तों ना कमर में पहना जाता है, ना नाक में पहना जाता है, ना अंगुली में पहना जाता है, ये अपने पैर में पहना जाता है। कहां पे? पैर में। रमझोल कहां पे पहना जाता है? पैर में। रमझोल कहां पे पहना जाता है? पैर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है इसके अलावा कि दिसंबर 2018 में गांव मामोसर में दो दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। यह गांव राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो ये दोस्तों जो गांव है मामोसर, ये मामोसर गांव दोस्तों अपने शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। किसमें? शेखावटी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगला है मैमद आभूषण पहना जाता है। दोस्तों मैमद, मैमद दोस्तों कई बार आपने राजस्थानी गाने अगर आपने सुने हैं तो मैमद कई बार राजस्थानी गानों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैमद अपने सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है, ठीक है। मैमद कहां पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। तो इसके अलावा बात करते हैं सुमिलित करने वाले प्रश्नों की। तो सुमिलित करने वाले प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित को सुमिलित करो, एक तरफ है शरीर का अंग और एक तरफ है आभूषण। तो चलिए सुमिलित कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सिर पर जो पहना जाता है, अभी हमने बात की मैमद अपने सिर पर पहना जाता है। मैमद अपने कहां पे पहना जाता है? सिर पर। महिलाओं के सिर पर पहना जाने वाले आभूषण को मैमद कहा जाता है। इसके अलावा जो गले में जो पहना जाता है उसको हसली होती है। क्या होती है? हसली। हसली अपने गले में पहना जाता है। हसली अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो गले में जो हसली होती है वो पहनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो कमर पर है, कमर पर कणकती पहनी जाती है, कणकती महिलाओं द्वारा, और पैर पर रिमझोल अपने पहनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो फोर्थ नंबर का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आंवला क्या है। अगर आपसे पूछ रहे भाई आंवला क्या है, तो आंवले के बारे में आप क्या बताओगे? आंवला एक सब्जी भी है। इसके अलावा आंवला दोस्तों आपसे पूछ ले आभूषणों में आंवला क्या है, तो आंवला क्या है दोस्तों? पैर के आभूषण को आंवला कहा जाता है, ठीक है। अगला कि तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी आपसे पूछ ले तगड़ी कहां पे पहनी जाएगी? तगड़ी अपने कमर पर पहनी जाएगी, तगड़ी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले कमर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो अभी हमने बात की थी तगड़ी के अलावा, तगड़ी के अलावा पूछ ले तो सटका, सटका अपने कहां पे पहना जाएगा दोस्तों? सटका अपने कमर पर ही पहना जाएगा। चलिए इनके अलावा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्नों में बात करें तो अगले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। अगर हम राजस्थान के रीति रिवाजों का अध्ययन करें तो हमारे अंदर जो निष्कर्ष निकलेगा वो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, तो उसमें दोस्तों अपने निष्कर्ष निकलेगा कि रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है, ठीक है। रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है, यह अपना क्या निकलेगा? ये अपना महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। इसमें हम युद्धकालीन स्थितियों की झांकी देख सकते हैं अगर अगर रीति रिवाजों के बारे में जाने तो। चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है कि कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है। तो शादियों के लिए जो उत्तम सावा है दोस्तों वो अपने आखा तीज का है। कौन सा है? आखा तीज। इसको अबूझ सावा भी कहते हैं, यानी कि अगर आपको शादी करनी हो तो आप बिना किसी पंडित के पूछे बगैर आप आखा तीज को आसानी से अपना विवाह रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है कि भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। तो भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना वो क्या माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है दोस्तों मान्यता प्राप्त माना जाता है, ठीक है। अगर आप भील जनजाति में हो और लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती हो गई तो उसको मान्यता दे दी जाती है कि भाई आप उसी लड़के से शादी कर लो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि रेबारी जाति के लोगों में दूल्हा किस पशु पर सवार होकर जाता है। तो रेबारी जाति के जो लोग होते हैं उनमें जो दूल्हा है वो ऊंट पर सवार होकर जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें राजपूताना के किस राज्य के राजचिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था। तो राजपूताना के ऐसा कौन सा राज्य है जिसके राजचिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था? तो भील राजा को दोस्तों अपने उदयपुर के जो राजपूताने थे उनके द्वारा दर्शाया गया था, झंडे पर अपने राजचिन्ह प्रतीक
प्रतीक पर और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया था। इसके अलावा बड़ालिया क्या है दोस्तों, बड़ालिया आपसे पूछ ली बड़ालिया, तो बड़ालिया दोस्तों वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला बड़ाइला कहलाता है, जिसको हम बड़ा बोलते हैं, ठीक है, बड़ा पटेल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में किसी की शादी हो रही है उसमें जो देख रेख वाला जो हिस्सा होता है वो बड़ालिया का होता है, किसका होता है, बड़ालिया का, जिसको हम बड़ा घर का बड़ा सदस्य भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत कहलाता है, तो वधु पक्ष द्वारा जो बारात का जो स्वागत है वो अपने सामेला कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, सामेला, ठीक है, डेरा देखने जाते समय भी सामेला किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अगला है कन्या विवाह के समय दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं देने की परंपरा कहलाती थी, दोस्तों जब कन्या का विवाह होता है आज भी होता है, ठीक है, उसमें जो दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं देने की परंपरा क्या कहलाती थी, तो उस कुंवारी कन्याओं को देने की जो परंपरा थी वो डावरिया कहलाती थी, क्या कहलाती थी, डावरिया, ठीक है, लेकिन आज के लिए प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जा रही है, ठीक है। अगर पहले क्या होता था, प्राचीन समय में कन्या के विवाह के समय दहेज के साथ यानी कि उसके दहेज के साथ कुंवारी कन्याओं को भेजा जाता था, ठीक है, और कन्याएं उसी के साथ रहती थी, ठीक है, उसको डावरिया के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, डावरिया के नाम से, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न है कि आगोटा रसम संबंधित है, तो आगोटा रसम है दोस्तों वो अपने सब यात्रा से संबंधित है, ठीक है, कोई भी खत्म हो जाता है, कोई का किसी का स्वर्गवास हो जाता है या कोई मर जाता है तो जो उसका जो उसकी जो रसम होती है वो आगेटा कहलाती है, क्या कहलाती है, आगेटा, ठीक है। चलो इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है ओका नाका गुणा क्या है, तो ओका नाका गुणा ये दोस्तों गोबर की आकृति को कहते हैं ओका नाका गुणा, ठीक है, ओका नाका गुणा ये अपने गोबर की आकृति को कहा जाता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है अगला है कि जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है, तो जीवन का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों वो है अन्येष्टि, क्या है, अन्येष्टि, ठीक है, जो मरने के बाद होता है, ठीक है, ये जीवन का अंतिम संस्कार है। अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ो, कि बरी या पड़ला कहलाता है, तो बरी या पड़ला दोस्तों ये अपने वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के यानी कि वर पक्ष मतलब दूल्हे के यानी कि दूल्हे के जो पक्ष हैं उनके द्वारा दुल्हन के पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना क्या कहलाता है, बरी पड़ला कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं, यानी कि 16 संस्कार माने गए, ठीक है, और अंतिम संस्कार अन्येष्टि है, ठीक है, अन्येष्टि अंतिम संस्कार है जो हमने पिछले प्रश्न में देखा, लेकिन जो 16 संस्कार है उस 16 संस्कारों में से जो एक तो जन्म से पूर्व शिशु के जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं वो आपसे पूछ लेना, तो आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों, 3 संस्कार तो शिशु के जन्म से पूर्व ही कर दिए जाते हैं, उसके बाद जो बच्चे जो संस्कार हैं, बच्चे जो 13 संस्कार हैं वो जन्म के बाद होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाएं के द्वारा गाए जाने वाले गीत या खेल क्या कहलाती है, दोस्तों उसको हम टूंटिया के नाम से जानते हैं, जो अपने गांव में ज्यादातर फेमस भी होता है टूंटिया, ठीक है, जब बारात चली जाती है तो पीछे जो महिलाएं बसती हैं वो टूंटिया की रसम करती है, किसकी, टूंटिया की रसम करती है। अगला प्रश्न है कि बखैर उछाल रसम क्या है, तो बखैर जो उस बखैर या उछाल रसम है वो बखैर जो जो रसम है वो अपने शोक की रसम है, किसकी है, शोक की, और जो टूंटिया है वो टूंटिया कब किया जाता है, टूंटिया अपने जो वर पक्ष यानी कि जो बारात जाती है, बारात जाने के बाद जो पीछे से जो महिलाएं रह जाती है वो क्या करती है, वो टूंटिया की रसम को निभाती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है, यानी कि कोई जीवित व्यक्ति है यानी कि ये पहले गांव में जाता चलता था दोस्तों कि जीवित व्यक्ति के द्वारा कह दिया जाता था कि मेरा तो नुक्ता आप अभी कर दो, पता नहीं मैं बाद में खा पाऊंगा या ना खा पाऊं, तो जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज क्या कहलाता है, तो वो क्या, वो दोस्तों जोसर कहलाता है, क्या कहलाता है, जोसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान कहलाता है, तो जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान अपने दोस्तों नान कहलाता है, क्या कहलाता है, नान, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी जाति है जो अपने को हिंदू कहती थी लेकिन हिंदू धर्म के रीति रिवाज को नहीं मानती थी, तो दोस्तों ऐसी जो जाति थी वो ऐसी जाति थी मेव जाति, कौन सी, मेव जाति, मेव जाति अभी भी दोस्तों अभी भी हिंदू मानती है लेकिन वो शायद अब रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करती, ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। अगला कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया क्या कहलाती थी, जो मृत व्यक्ति है उसको शमशान ले जाने की जो शैया होती है लकड़ी की वो क्या कहलाती थी दोस्तों, वो क्या कहलाती है, वो बेकुंठी कहलाती है, क्या कहलाती है, बेकुंठी कहलाती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजणियां किस धातु की होती है, तो आदिवासी महिलाओं की जो पांव की जो पिंजणियां होती है ना वो दोस्तों पीतल की होती है, किसकी होती है, पीतल की होती है। अगला प्रश्न है किस सभ्यता की महिलाएं मृगनय
एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। तो किस सभ्यता की महिलाओं द्वारा मृगणय मरण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी, और वो थी दोस्तों अपने कौन सी काली बंगा व आहाड़ सभ्यता की महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कि चोल चोल पटोरी चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं। तो चोल हो गया, पटोरी हो गया, चोरलो हो गया और निचोल हो गया। दोस्तों साड़ियों के प्रकार है, कौन सी साड़ियों के प्रकार है जो महिलाएं ज्यादातर पहनती हैं। चलो इसके अलावा अगला प्रश्न है कि खंजरशाही उदयशाही अमरशाही व शाहजहानी संबंधित है। तो खंजरशाही हो गया, उदयशाही हो गया, अमरशाही हो गया और शाहजहानी हो गया। ये दोस्तों अपने किससे संबंधित है, ये अपने पगड़ियों के प्रकार है। क्या है? पगड़ियों के प्रकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहां के लोग सजने संवरने का अधिक शौक था। तो सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तुर्रे सरपेज धुन धुन धुंगदुंगी का प्रयोग होता है। तो तुर्रे सरपेज धुंगदुंगी का जो प्रयोग है दोस्तों वो अपने पगड़ियों में होता है। किसमें होता है? पगड़ियों में होता है। जब जो दूल्हा जब सजता है तो उसमें तुर्रे कलंगी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। दूल्हा जो जब सजता है उसकी जो पगड़ी पहना जाती है उसमें तुर्रे सरपेज धुंगदुंगी और कलंगी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, याद रखना। अगला चौंप आभूषण पहना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना चौंप आभूषण के बारे में। दोस्तों चौंप अपने दोस्तों याद रखना, चौंप कहां पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है चौंप, ठीक है। चौंप कहां पे पहना जाता है? नाक में। कहां पे? नाक में पहना जाता है चौंप। और एक होती है चूंप आभूषण, एक होती है चूंप। ये चूंप दोस्तों अपने दांत में पहना जाता है। किसमें? दांत में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है। तो ऐसा कौन सा आभूषण है जिसका संबंध नाक से नहीं है? तो नथ का है, बारी का है, लौंग का है। नेवणी का संबंध नाक से नहीं है। अगला प्रश्न है कि कांटला गले का आभूषण संबंधित है। तो कांटला जो गले का आभूषण है, लेकिन ये संबंधित किससे है? तो बच्चों से संबंधित है। कांटला बच्चों का आभूषण है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है बंगड़ी नामक आभूषण पहना जाता है या संबंधित है। तो बंगड़ी नामक जो आभूषण है दोस्तों अपने किससे संबंधित है? वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए दोस्तों बंगड़ी अपने हाथ में पहनी जाती है, ठीक है। ज्यादातर ये राजपूत महिलाओं में पहनी जाती है। अगला स्त्रियों के बालों की बैणी में गूथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो स्त्रियों की जो स्त्रियों के बालों में जो बैणी में गूथा जाने वाला जो आभूषण है वो गोफण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोफण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि टिड्डी भलको आभूषण संबंधित है। तो टिड्डी या भलको ये आभूषण दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है। टिड्डी भलको ये सभी क्या है? मस्तिष्क के आभूषण है। अगला प्रश्न है मेमंद दामणी रखड़ी टिक्की ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये अपने दोस्तों ये अपने जो मेमंद हो गया, दामणी हो गया, रखड़ी हो गया, ये टिक्का हो गया, ये दोस्तों ये संबंधित तो मस्तिष्क से संबंधित है, लेकिन इसमें मस्तिष्क कहीं दे नहीं रखा। तो नाक नहीं आएगा, गला छाती नहीं आएगा, कान नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं यही आएगा फिर, क्योंकि ये जो मेमद हो गया, दामणी हो गया, रखड़ी हो गया, टिक्का हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों अपने किससे संबंधित है? ये सभी के सभी अपने किससे संबंधित है? ये अपने मस्तिष्क से संबंधित है। अगला यानी कि माथे के आभूषण है। अगला है कि राज्य में स्वागिनी स्त्रियों का चूड़ा बना होता है। जो स्वागिनी स्त्रियों का जो चूड़ा होता है दोस्तों वो लाख का बना होता है। किसका? लाख का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रखन आभूषण संबंधित है। तो दोस्तों ये रखन जो आभूषण है वो दांत से संबंधित है। रखन, रखन और एक चूंप, रखन और एक चूंप, ये दो आभूषण याद रखना है, ये अपने जो दांत होते हैं उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों फोलरी बिछिया संबंधित है। तो दोस्तों जो फोलरी हो गया, बिछिया हो गया, ये अपने पैर की उंगली, ठीक है, इनमें पहना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इसमें हमने आभूषण से संबंधित भी प्रश्न रखे और रीति रिवाज के प्रश्न भी रखे कुछ, ठीक है, जो आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदार में, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।